और ये साफ तौर पर कहते हुए कि पहले हम बातचीत कर रहे हैं, पहले बातचीत के जरिए उम्मीद करता हूं यहां पर जस्टिस मिलेगा, लेकिन जस्टिस तभी मिलेगा दोस्तों जब हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा आज से तकरीबन 8 साल पहले निर्भया का भयानक इंसिडेंट हुआ था, जिसको लेकर जनता में इतना गुस्सा था कि देश भर के लोगों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया था। कैंडल मार्चेस निकाली गई थी इंडिया गेट तक। उस समय के जो ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई थी, जस्टिस की डिमांड करी थी, प्रोटेस्ट किया था। और निर्भया की फैमिली ने इतने सालों तक जस्टिस की डिमांड करी, अपनी आवाज उठाए रखी कि 8 सालों में जाकर फाइनली निर्भया को जस्टिस मिला। अब इमेजिन करिए दोस्तों, निर्भया के केस में अगर इंडिया गेट को ब्लॉक कर दिया जाता, जनता को प्रोटेस्ट करने ही ना दिया जाता, और जो ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता। दी गई है और ये साफ तौर पर कहते हुए कि पहले हम बातचीत कर रहे हैं, पहले बातचीत के जरिए इतना ही नहीं, इमेजिन करिए निर्भया के केस में जल्दी से जल्दी निर्भया की बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाता, जला दिया जाता, ताकि कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए दोबारा पूछे तो कोई सवाल ना उठा सके। कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है। पूरे एरिया को सील कर दिया जाता, मीडिया की एंट्री अलाउ नहीं करी जाती, अगर मीडिया एंटर करना चाहे तो बाहर पुलिस लगा दो, पुलिस उन्हें अंदर ना घुसने दे। ये पुलिस वाले हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, और मैं घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। साथ ही साथ ये इमेजिन करो दोस्तों, निर्भया के केस में अगर निर्भया की फैमिली को धमकाया जाता, ब्लैकमेल किया जाता कि अपनी स्टेटमेंट बदल लो, ये कहो कि आपकी बेटी का रेप हुआ ही नहीं है, बस ये एक मर्डर था फैमिली डिस्प्यूट की वजह से। उनको धमकी दे रहे हैं, उनको मारा था, उनकी उनकी छाती पे लात मारा था, उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा, उनके डीएम साहब ने मारा, कल होश हुए थे वो। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, और फिर पूरा सरकारी सिस्टम जबरदस्ती ये प्रूफ करने पे लग जाता कि ये रेप तो फर्जी खबर थी। ऑनलाइन ट्रोल्स को सोशल मीडिया पर भेजा जाता ये कहने के लिए कि ये रेप फेक न्यूज है, और पीआर एजेंसी को हायर किया जाता। पीआर एजेंसी का काम है कि ऑनलाइन ये नैरेटिव बिठा दो कि ये रेप तो फर्जी खबर है, ऑपोजिशन का ड्रामा है, यहां पर कुछ हुआ ही नहीं है। सुनने में अनबिलीवेबल लगता है ना, ये मुझे भी अनबिलीवेबल लगता है, ये किसी बॉलीवुड के राइटर्स भी ऐसी कहानी नहीं सोच सकते, लेकिन ऐसा ही कुछ हो रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के हाथरस केस में। वैसे सच बताऊं दोस्तों, इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो ये जो क्राइम यहां पर हुआ है, रेप या मर्डर, इनकी घटनाओं को दोबारा दोहराना अच्छा नहीं लगता, और दूसरी चीज, आजकल लोग इतने भड़काऊ हो गए हैं कास्ट, रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर कि एक क्राइम से रिलेटेड आप जस्टिस की डिमांड करोगे तो दूसरी तरफ से वहां आवाज उठेगी, तो इस क्राइम को छोड़ पहले तो उस क्राइम का बता जो कांग्रेस रूल स्टेट में हुआ था। आप बोलोगे नहीं मैं यहां पर जस्टिस चाहता हूं, वुमेन सेफ्टी चाहता हूं, तो इस क्राइम को छोड़ तो पहले उसका बता जो अपर कास्ट विक्टिम के खिलाफ हुआ था, तो उस क्राइम के बारे में बात कर जो दूसरे धर्म वालों ने किया था, उसके बारे में क्यों चुप है। ये जो वॉट अबाउटिज्म है ना, ये इतना ज्यादा बढ़ गया है क्राइम रिलेटेड चीजों के बारे में कि इम्पॉसिबल हो गया इनके बारे में बात करना। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली आज के दिन हमारे देश में बहुत ही बुरी हालत है वुमेन सेफ्टी को लेकर, औरतों के खिलाफ आज के दिन जितने अत्याचार हो रहे हैं, आज से 8 साल पहले जितनी ही बुरी हालत है या उससे भी ज्यादा बुरी हालत है। लेकिन रीजन क्या है हाथरस की घटना पे वीडियो बनाने का, मेरा रीजन यह है दोस्तों कि यह घटना बहुत अनोखी है। अनोखा इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता दोस्तों आज से पहले कोई भी ऐसा रेप और मर्डर का केस हुआ है हमारे देश में जहां पर इस हद तक कवर अप करने की कोशिश करी गई हो सरकार और पुलिस के द्वारा। पुलिस तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि एक माफिया की तरह काम करने लग रही है, जहां पर ऑपोजिशन लीडर्स को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा हो, जनता को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा हो, मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा हो, और फैमिली को इस हद तक टॉर्चर किया जाए, इन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। मुझे नहीं लगता ऐसा केस आज तक देश में देखने को मिला है। सितंबर 14 की बात है, एक 19 साल की लड़की जिसे मैं उत्तर प्रदेश की निर्भया कहूंगा,
अपनी मदर के साथ फील्ड में थी जब ये इंसिडेंट हुआ था। एग्जैक्टली क्या हुआ था मैं इसको दोहराऊंगा नहीं वीडियो में, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं रेकमेंड करूंगा आप न्यूज लॉन्ड्री की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए इसके रिगार्डिंग, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जहां पर उन्होंने इंटरव्यू लिया इनकी मदर का और बाकी परिवार के सदस्यों का, जिन्होंने बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। शुरू शुरू में ही पुलिस और कुछ बीजेपी लीडर्स का ये कहना था सोशल मीडिया पर कि कोई रेप नहीं हुआ है, हालांकि उनकी मदर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रही थी। पूरा बाजार टूटा पड़ा था, मैं चली गई, अब देखते मेरी लड़की का बुरा हाल, बेहोश पड़ी थी, पूरे कपड़े उतरे पड़े थे मेरी लड़की के। 29 सितंबर को यूपी की निर्भया की मौत हो गई हॉस्पिटल के अंदर अपनी इंजरीज की वजह से। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली लोगों में गुस्सा जागा, लोगों ने जस्टिस की डिमांड करी और प्रोटेस्ट करना शुरू किया। फैमिली ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज हमें बॉडी घर वापस ले आने दो, लेकिन पुलिस ने फैमिली की नहीं सुनी। घंटों तक पुलिस के सामने प्लीड करने के बाद भी पुलिस ने नहीं सुनी, और सेम रात को करीब 2:30 बजे 2:30 AM पर पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया बॉडी का। वैसे आम तौर पे ऐसे फ्यूनरल्स दिन के समय में किए जाते हैं ट्रेडिशनली, रात के 2:30 बजे ये करना क्या मतलब निकलता है इससे? पुलिस ने वैसे कहा कि फैमिली की फुल परमिशन लेके किया गया है, फैमिली इसकी एग्रीमेंट में थी, और जो सरकारी ट्रोल्स हैं हमारे सोशल मीडिया पर भी यही खबर फैलाई गई उनके द्वारा कि फैमिली तो कंप्लीटली एग्री करती है इस चीज से, फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स निकली उस रात से वो कुछ और ही कहानी दर्शाती हैं। इसके बहुत से वीडियो प्रूफ्स मौजूद हैं कि पुलिस ने फैमिली की बिल्कुल नहीं सुनी, फैमिली की परमिशन के बिना बॉडी पर आग लगाई गई, और क्यों किया जा सकता है क्या सोच सकते हो आप? आपके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी जब आप ये सुनोगे कि बॉडी को जल्दी से जलाकर राख कर दिया गया? जर्नलिस्ट तनुश्री पांडे जो कि ग्राउंड पर मौजूद थी उस रात को, उनका कहना है कि रात के 2:30 बजे पुलिस ने एक्चुअली फैमिली को अपने घर के अंदर लॉक कर दिया, और घर के बाहर चारों तरफ से करीब 100 पुलिस ऑफिसर्स ने उस घर को घेर रखा था दंडों के साथ, ताकि वो घर से बाहर ना निकल पाए जब बॉडी को जलाया जा रहा था। तो और ये भी बड़े क्लियरली दिखता है कि मीडिया वालों को उस जलती बॉडी के पास तक आने नहीं दिया गया, और पुलिस ऑफिसर्स ने कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया कुछ भी आंसर करने से। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ। मैं डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 ऐसी कई और छोटी छोटी डिटेल्स हैं जहां पर फैमिली कुछ कहती है और यूपी पुलिस बिल्कुल उसका उल्टा कहती है, फैमिली को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। जैसे कि एक में फैमिली कहती है कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी लड़की की, और पुलिस इस चीज को डिनाई कर देती है। लेकिन कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, आप खुद ही सोचकर देखिए, क्या जरूरत पड़ी बॉडी को इतनी जल्दी रात के 2:30 बजे जलाने की? मैं तो एक ही कंक्लूजन निकाल सकता हूं इससे कि पुलिस नहीं चाहती थी कि इस बॉडी पर कोई भी और एग्जामिनेशन हो, डिटेल्स जिससे बाहर आए इस पूरे इंसिडेंट की ये सामने आए कि एक्चुअली में रेप का केस था, क्योंकि पुलिस इस चीज को कंप्लीटली डिनाई कर रही है कि ये रेप का केस है। इसके बाद जब ये खबर सोशल मीडिया में फैलती है तो सरकार के ऊपर और प्रेशर बनता है, और रिस्पॉन्स में उत्तर प्रदेश सरकार एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करती है इस केस में और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन फन फैक्ट, आप में से जिन लोगों को नहीं पता, उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर ही आती है। इनफैक्ट एक मोटे मोटे तौर पर कहें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश के सरकार के इशारों पर ही नाचती है, और ये जनरली हर स्टेट के लिए, हर फुल स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट की पुलिस उस स्टेट गवर्नमेंट के इशारों पर नाचती है और बहुत ही पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली, क्योंकि एक फुल स्टेट नहीं है। अगले दिन ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहते हैं कि वो चलकर जाएंगे हाथरस तक एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस उन्हें नोएडा में ही रोक लेती है एक्सप्रेस वे पर और कहती है कि इसके आगे आप जा नहीं सकते, जहां पर बहुत धक्का मुक्की होती है और राहुल गांधी को धक्का मार के नीचे भी गिराया जाता है। ये देखो आज का हिंदुस्तान, ये देखो मेरे साथ चलो। ये एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है, इसलिए नहीं कि राहुल गांधी फाइनली सड़क पर उतरा है प्रोटेस्ट करने के लिए, बल्कि इसलिए कि जरा आप सोचकर देखिए, अगर पुलिस देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन फेस को
इस तरह से ट्रीट करेगी तो आप सोच लो देश में आम आदमी का क्या हाल होता होगा, पुलिस किस तरह से ट्रीट करेगी एक आम आदमी को। और जरा सोचकर देखिए, ऐसा किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है क्या कि आपको चलकर जाने तक की आजादी ना मिले? राहुल गांधी ने कहा था कि अगर आप पूरी भीड़ को नहीं चाहते कि वो चलकर हाथरस तक जाए तो वो खुद अकेले ही चलकर चले जाएंगे, लेकिन पुलिस ने वो भी नहीं करने दिया, उन्हें फिजिकली ब्लॉक करके रखा वहां पर। ऐसा तो सिर्फ ब्रिटिश सरकार के टाइम पर हुआ करता था। सिमिलर धक्का मुक्की करी पुलिस ने डेरेक ओब्रायन के साथ भी। इसी दिन कुछ और शॉकिंग घटनाएं घटी। हाथरस के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, डीएम हैं, वो कैमरे पर पकड़े गए विक्टिम की फैमिली से मिलते हुए और उन्हें कहते हुए कि अगर आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आज आधा मीडिया मौजूद है और कल को ये मीडिया चले जाएगा, तब आप क्या करेंगे? खुद ही सुन लीजिए इस चीज को। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए, तो मीडिया वाले में आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजे निकल जाएंगे, हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना है, नहीं बदलना है। 2 अक्टूबर की ओकेजन पर जनता ने प्रोटेस्ट प्लान किया इंडिया गेट के पास दिल्ली में, और सरकार ने रिस्पांस में कहा कि सारी गैदरिंग्स बैंड हैं इंडिया गेट के पास। लेकिन फॉर्चुनेटली आज जिस समय मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूं, जनता अब जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट कर रही है सेम चीज के अगेंस्ट। हाथरस में सेक्शन 144 लगा दिया गया है और पूरे गांव को सील कर दिया गया है, मीडिया ताकि अंदर ही ना जा पाए, फैमिली से मिल ही ना पाए, और दूसरी तरफ वहां पर फैमिली को ब्लैकमेल किया जा रहा है। चांस की बात है विक्टिम का जो भाई है वो किसी तरह से इस सील से बचकर निकल आया खेतों में छुप छुप कर, और मीडिया के पास बात करने आ पहुंचा और उसने ये बताया, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। उनको धमकी दे रहे हैं, उनको मारा था, उनकी छाती बुला तो मारा था, उनकी दर्द हो रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस हद तक यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करी जा रही है, सच को दबाने की कोशिश करी जा रही है। सारी लिमिट्स तो तब क्रॉस हो गई जब ये खबर में आया कि इन्होंने एक पीआर एजेंसी को हायर किया ये झूठ फैलाने के लिए, ये नैरेटिव बिठाने के लिए कि यहां पर रेप तो हुआ ही नहीं था। कई जर्नलिस्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पब्लिकली एक्सपोज किया कि कैसे उन्हें ईमेल्स आ रही हैं इस पीआर एजेंसी के द्वारा, जो कह रही हैं कि इस खबर को बताओ कि देखो ये रेप नहीं था, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ने बताया कोई रेप का केस नहीं है ये। लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि विक्टिम के फैमिली मेंबर्स से उनके मोबाइल फोन्स छीन लिए गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, और जो मीडिया बाहर खड़ी है उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, ये चेक किया जा रहा है कि वो किससे क्या बात करने लग रहे हैं, और उनमें भी कुछ जर्नलिस्ट के फोन्स छीन लिए गए। आप सोच सकते हैं किस लेवल का यहां पर जंगल राज चलने लग रहा है उत्तर प्रदेश में, यहां पर ऑलमोस्ट माफिया चलने लग रहा है पुलिस सिस्टम का, सरकार का। कहने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लेटेस्ट एक्शन लिया है डीएम को सस्पेंड करने का, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये पुलिस इंडिपेंडेंटली ऐसे एक्शन नहीं लेती। पुलिस अगर इंडिपेंडेंट होती तो खुद से ऐसी हरकतें नहीं करती। ऑर्डर्स जो आते हैं वो हमेशा ऊपर से आते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि सोचकर देखिए पुलिस का क्या है, पुलिस क्यों यहां पर रेपिस्ट को बचाना चाहेगी, मर्डरर्स को बचाना चाहेगी? लेकिन एक पॉलिटिशियन ये करना चाहेगा कास्ट रीजंस की वजह से। ये अक्यूज किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि यहां पर जो रेपिस्ट हैं वो ठाकुर कास्ट के हैं, जिस कास्ट के योगी आदित्यनाथ खुद हैं, इसलिए उन्हें बचाने की यहां पर पूरी कोशिश करी जा रही, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि ये मीडिया मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की इमेज मेंटेन रहे कि वो अच्छा काम करते हैं, वो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। इसी रीजन से जो निचले लेवल के लोग हैं उन्हें तो फायर कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, इनफैक्ट वो सारे एक्शन लिए जाएंगे जो नेसेसरी है यहां पर सीएम की इमेज को मेंटेन करने के लिए। ऐसे केस में इन सिचुएशन से डील करने के लिए एक सोल्यूशन बड़ा क्लियरली हमें दिखता है, और वो सोल्यूशन है पॉलिटिकल सिस्टम को पुलिस से अलग करना, पुलिस को और इंडिपेंडेंट बनाना, जो कि किया जा सकता है, पुलिस बहुत जरूरी है। ऊपर से जब तक इस तरह के पॉलिटिशियन सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं जिनकी राय में औरतें लायक नहीं है इंडिपेंडेंट रहने के, कहां आप एक्सपेक्ट करते हो देश में, उत्तर प्रदेश में औरतों को सुरक्षा मिलेगी? इनफैक्ट इनकी जो सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी है, अब उन्होंने एक कैंपेन चलाई है इंडिया टुडे की रिपोर्टर तनुश्री पांडे को डिफेम करने के लिए, क्योंकि वो उस वक्त ग्राउंड पर मौजूद थी और बहुत करेजियसली उन्होंने इनको एक्सपोज किया था, ग्राउंड रियलिटी हम तक लाई थी। अब उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है उन्हें डिफेम कर। उम्मीद करता हूं यहां पर जस्टिस मिलेगा, लेकिन जस्टिस तभी मिलेगा दोस्तों जब हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच लोगों तक पहुंच सके।